स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रेक्षागृह एवं मुक्ता काशी मंच तथा निर्माणाधीन चिड़ियाघर का शनिवार को मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह सहित राज्य के निर्माण के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 जनवरी तक प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने चिड़िया प्राणी उद्यान का निरीक्षण करते हुए राज्य के निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राणी उद्यान के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई 27 बाड़ों की सूची को प्राथमिकता के आधार पर तैयार करें तथा उसे एक सप्ताह के अंदर हस्तांतरित करें। इसके अतिरिक्त शेष बाड़ों का कार्य 15 जनवरी तक पूरा करें तथा चिड़ियाघर के अन्य कार्यों को भी 30 दिसंबर तक पूरा करें, जिससे उसे जनता को समर्पित किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, उसकी रिपोर्ट कोई पढ़ता है कि ऐसे ही चली जाती है? तब तक तो वो मेरी ऑडी है कि वो इससे ज़्यादा कंप्लीट कर रहा है कि इधर से ही चले। राइट एंड साउंड और ये पूरा इसकी भी चेयर, इसकी तो चेयर मंगवा दीजिए। तो काम चेयर हम कोशिश नहीं, इसका तो करवा दीजिए क्योंकि इसमें चेयर हो जाए और यदि हमें यूज़ करना हो तो कर लो। और इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, इसका मेमोरी हो जाएगी। इनॉग्रेशन के लिए आपको बाहर में भी तो काम करना पड़ेगा। रोड है हमारी, अगर वो कर देंगे और जो हमारे टेम्पोरी स्टोर है उसको हटा के यहाँ से हमें ग्रीनरी हम जो है वो लग जाएंगे। जी जी, ये बात तो देखिए खिचड़ी में पार्किंग, ये मतलब 500 लोग लगाओगे तो काम होगा, जब लोग नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। कहाँ है ये? देखिए 10 जनवरी को हम इसको इनॉग्रेट करा देंगे। मेरे मालूम कैसे करना है, 10 जनवरी की हो कि नहीं? 10 जनवरी करके हमको चाहिए सर, हमको तो चाहिए आपकी हालत को। हम 10 जनवरी मुक्ता काशी मंच कहाँ है? जी ऑडिटोरियम में, वो भी ऑडिटोरियम इसमें किचन बना हुआ है। इसमें क्या जरूरत नहीं है? नहीं सर, एक मेन ऑडिंग ही जो प्रोविजन है उसमें मल्टीपर्पज के हिसाब से। अच्छा, वो आपके सेंक्शन में ही नहीं है? और सर उसमें जैसे नाटक करने के लिए पीछे साइक्लोरामा होता है, पर्दा होता है, पीछे कलाकार आते जाते हैं, वो भी नहीं बना है? छोटे वाले, छोटे वाले, बड़े वाले में तो सर ज़्यादा उपयोगी हम लोग के लिए छोटा ही है। साइड ज़्यादा उपयोगी तो छोटा ही है, क्योंकि वो 250 का है, उस हिसाब से चीज़ें की गई हैं। सारी चीज़ें सर हमारे रंगमंच के अनुकूल नहीं है, हम लोग वो छोटा को बुक करा पाएंगे? ये तो हमारे लिए, हमारे समझ से बाहर है ना, तो हम इतने आइडिया जुटा पाएंगे ना इतना पैसा जुटा पाएंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक, कौन है? सब कुछ हैंडओवर हो गया। क्या बात कह रहे हैं यार, उसमें हैंडओवर हो गया आपने? जी नहीं नहीं नहीं, लाइट इनका जो बना है सीएडीएस, हाँ सीएडीएस 42 बनते तो आपका हैंडओवर तो एक। हाँ सर, लाइट वगैरह इसकी आपके रखी हुई है, बस फिटिंग नहीं किया है क्योंकि जब सिक्योरिटी का मामला आ चुके तो कुछ लाइट वगैरह चोरी हो रही थी, तो इस वजह से इसको रुक चुकी है। लाइटें महंगी हैं। यहाँ पर कितने लोग बैठ सकते हैं? 150 से ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ बन जाती है वहाँ पर कचरा हटाइए, लोगों को दिक्कत नहीं होती है, उनकी धूल नहीं होती है। लेकिन आप जहाँ जहाँ वजह ये कि आरडीएस जैसे वो स्ट्रक्चर की वहाँ पर है,
फिर तब कलाकार और अंदर से इस साइड होना चाहिए जी, और होना चाहिए तब लाइटिंग तब यहाँ से स्टार्ट होती तो फिर कलाकारों के योग्य होता, क्योंकि अभी वहाँ पे लाइट टंगेगी सर तो 3 फीट 4 फीट तो अंदर जाएगी लाइट, फिर वो तो बेकार होगी, टूटी लग जाए, लेकिन ऑडियंस से कलाकार ज़्यादा दूर हो जाए। फ्रंट स्टेज पे ये मंच इसीलिए बड़ा रखा गया, इसी पे सारी चीज़ लाइटिंग का ओपन थिएटर जितना भी आप देखेंगे सर लाइटिंग इसी तरह से लगती है सर। हम लोग की राय तो सर बिल्कुल नहीं शामिल की गई है, और आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है, और इसका डिज़ाइन करने से ओपन थिएटर का पहले कई मैंने जो ओपन थिएटर्स की लाइटिंग्स देखी गई हैं तब ये लाइट यहाँ पे लगाई गई है, और चूंकि ये ओपन थिएटर है सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रस्ट करके फिक्सिंग करके ही लगाया जाना उचित है, नहीं तो यहाँ कलाकार करते हैं कलाकारों से साझा करना। दो टी सर लग जाए अगर बहुत उसमें खर्च दो टी लग जाए तो वो हो जाएगा सर। चलिए आप जीजीए को ही ऐसा करते हैं, ये फ्लोट कर रहे हैं आप मेंटेन कर ले लीजिए, हम लोग कलाकार हम लोग काम कर रहे हैं ऐसे कैसे बना दिया गया सरकार ने बना दिया, आप लोकल लेवल पर ही इसको किसी को चलाना होगा जी, सरकार इसको कि ना ये सारी चीज़ें चलाती नहीं जाएंगे बिल्कुल। तो शैलमणि जी ने एक प्रस्ताव दिए थे तो इसको ये जो समिति है ना कुछ लोग यहाँ का कुछ कलाकारों समिति उसके माध्यम से संचालित कराने के लिए दे दीजिए आप मदद करते रहिए, उसके लिए अपना जो भी काम कर सकते हैं हमारे साथ 9 लाख से ज़्यादा मैं बता दूँ आपका अंदर का कार्य हमारे साथ काम जो है वो कंप्लीट है जो कह रहे हैं राइनो में बड़ा काम है। अभी तो नहीं आएगा राइनो तो अभी नहीं आएगा ये आप ये भी हम लोगों ने मीटिंग की थी आपसे डॉक्टर साहब को ये वाला देखने पूरी इंजीनियरिंग किया जा सकता है, इसमें करने का खतरा ही आता है, लेकिन बहुत अरे भाई अरे आप अपना करिए ना आप सपोर्ट जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हम लोग का रामगढ़ ताल का एरिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में यहाँ 5-6 प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उन सभी को समय से पूर्ण किया जाना चाहिए जिससे कि अगले वर्ष के शुरुआत में हम लोग इन प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित कर सकें, वो चाहे चिड़ियाघर हो, वो चाहे आपका ऑडिटोरियम हो, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, और उसी के क्रम में हम लोग प्रयासरत हैं कि ये सारे जो अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए इनके कार्य सभी जो हैं गुणवत्तापूर्वक जनवरी माह में हम इसको कंप्लीट कर सकें, और उसी के प्रयास के क्रम में हम लोग ने आज ये बैठक की है। PCCF साहब लखनऊ से आए हुए थे और बाकी अन्य विभाग के अधिकारी थे, और आशा करते हैं कि इसको हम 1 महीने में इस पूरे कार्य को कंप्लीट कर सकें।